विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष एवं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री चंपत राय ने श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान के तहत बुधवार को गुरु श्री गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बात करते हुए 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों द्वारा किए गए आंदोलन पर कहा कि दिल्ली में जो कुछ भी हुआ यह राष्ट्रीय अपराध है। यह किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के किसानों को बदनाम करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि यह प्रशासन को पता लगाना है कि ये कौन लोग हैं। मैं कल अयोध्या में था, आज यहाँ हूँ, घटना दिल्ली की है, यह राष्ट्रीय अपराध है। चंपत राय ने कहा कि दिल्ली की घटना देशभक्त नहीं कर सकते। पंजाब में जो केसधारी हैं वो गुरु नानक देव जी, तेग बहादुर, अर्जुन देव जी, गुरु गोविंद सिंह की परंपरा के लोग हैं। गुरु गोविंद सिंह जिनके चारों बच्चे और उनकी पत्नी ने तो बलिदान दिया था। सर्वत्र बलिदानों के परिवार की परंपरा के लोग गलत काम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोगों की बुद्धि को भ्रमित किया गया है। उन्होंने कहा किसने किया, दोषी कौन है, यह हम नहीं बता सकते, यह प्रशासन का काम है। उनको स्पॉट आउट करें, कानून के अनुसार उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष एवं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री चंपत राय ने कहा, और ये जो कुछ दिल्ली में कल हुआ ये तो मैं समझता हूँ राष्ट्रीय अपराध है, और ये किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के किसानों को बदनाम करने का प्रयास है। कौन लोग हैं ये? अब ये तो प्रशासन का काम है पता लगाना। मैं कल अयोध्या में था, आज यहाँ हूँ, घटना दिल्ली की है। का तिरंगा फेंक दिया गया और अपने वो मैंने राष्ट्रीय अपराध कह दिया, देशभक्त नहीं कर सकते। पंजाब में के जो केशधारी हैं गुरु नानक देव जी, तेग बहादुर, अर्जुन देव जी, गुरु गोविंद सिंह की परंपरा के लोग हैं। गुरु गोविंद सिंह के तो चारों बच्चे, उनकी पत्नी बलिदान हो गए। सर्वस्व बलिदानियों के परिवार की परंपरा के लोग गलत काम नहीं कर सकते, लेकिन किसी ने उनकी बुद्धि को भ्रमित किया है। किसने किया है, दोषी कौन है, ये हमारा हम नहीं बता सकते। प्रशासन का काम है उनको स्पॉट आउट करें। देशभक्त नहीं है तो क्या कार्रवाई होना चाहिए? देशभक्त आपने कहा नहीं, जो कानून कहता है वो कानून है, लिखित है, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा।